इधर देखो इधर देखो इधर देखो, वो पोज दे रहा है। वाओ ये जो वीडियो आपने अभी अभी देखा, ये सिर्फ एक वीडियो ही नहीं है बल्कि इस बात की छोटी सी सबूत है कि एक पिताजी अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता, एक पिताजी अपने बच्चों के खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं करता। ये वीडियो उस दिन का है जब हम लोग गए थे गोलकोंडा फोर्ट जैक्सन का वीडियो शूट करने के लिए। जैक्सन आपको मालूम रहेगा अगर मेरा गोलकोंडा फोर्ट वाला शूटिंग व्लॉग वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको जैक्सन कौन है पक्का मालूम रहेगा। तो उस दिन हम लोग सुबह निकले थे, सुबह निकल के गए वहाँ गोलकोंडा फोर्ट में शूटिंग वूटिंग किए, गाने का सीन्स वगैरह लिए, और आते वक्त हमको एक बच्चा पोज देते हुए दिखाई दिया। तो साइड में हम लोग देखे तो एक बाप, वो मे बी उस बच्चे का पिताजी ही थे, तो वो कीपैड मोबाइल पे उसका उस बच्चे का फ़ोटो उतार रहे थे। मतलब जिस टाइम पे वहाँ लोग आईफोन, बड़े बड़े ब्रांडेड फ़ोन, DSLR लेके फ़ोटो उतार रहे थे, उसी वक्त एक बाप अपने कीपैड नॉर्मल से कीपैड फ़ोन लेके अपने बच्चे का फ़ोटो उतार रहे थे, और दोनों खुश थे, नो डाउट दोनों खुश थे। तो वो सीन जो था मुझे देखकर बहुत ही इमोशनल लगा। तो जब मैं आया रूम, वहाँ का सब कुछ शूट वूट करके वहाँ से निकल के आया, तो जब वीडियो वगैरह रिव्यू कर रहा था कौन सा वीडियो वीडियो में डाले, जैक्सन के गाने में डाले, कौन सा वीडियो मेरा ब्लॉग के लिए सिलेक्ट करें, क्योंकि उस टाइम पे मैं जैक्सन का वीडियो के साथ साथ मेरा ब्लॉग भी शूट किया था। अगर वो ब्लॉग, हालांकि वो ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार हुआ है, आप अगर नहीं देखे हैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर देखिए वो ब्लॉग, बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग था। कंटिन्यू टू द पॉइंट। ओके, तो मैं घर जब आया तो देखा कि वो वीडियो, यार काश कि मैं उस टाइम पे कुछ अलग रिएक्ट कर पाता उनके सामने, काश कि उनके लिए एक उस बच्चे का एक अच्छा सा फ़ोटो उतार के मैं उस बाप को दे सकता, क्योंकि उसके पास कीपैड फ़ोन थे। हमको पता है कि कीपैड फ़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा तस्वीर आएगा नहीं, पर मेरे पास उतना था जिससे मैं उसको खुश कर पाता। घर आके सोच रहा था कि काश कि मैं उनके लिए एक अच्छा सा तस्वीर उतार के उनको दे पाता। तो ऐसा बहुत सारे ब्लॉग्स में होते हैं, बहुत सारे जगह जब हम पब्लिक के साथ हम जब बातें करते हैं तब ऐसा बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो हमसे छूट जाती है, और जब घर आते हैं तब लगता है कि हम काश हम इस टाइम पे ये रिएक्ट कर रहे होते, काश हम इन टाइम पे उसे वीडियो में ला रहे होते, ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं माइंड में। मतलब पछतावा रहता है किसी का कि उस टाइम पे अगर मैं उसको अपने वीडियो में अपने ब्लॉग पे लाया होता तो अच्छा होता, पर हम अपने ब्लॉग में इतने बिजी रहते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें छूट ही जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ ये होता ही रहता है, जब मैं चार मीनर गया था तब भी ये चीज़ मेरे साथ हुआ था। एक स्ट्रीट वेंडर था, चश्मे वाला था, चश्मा बेचता है वहाँ पे चार मीनार के सामने, तो वो हर बार मेरे से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मेरे साथ बातचीत करने का कोशिश कर रहा था, पर मैं वीडियो बनाने में इतना व्यस्त था कि उनको मैं इम्पोर्टेंस दे ही नहीं पाया। और जब घर आया और देखा कि यार वो बंदा जो था सही में मेरे वीडियो में आना चाहता था, तो मुझे बुरा लगा कि काश मैं उसको थोड़ा सा ले लिया होता, उससे थोड़ा सा बातचीत कर लिया होता। तो ये अफसोस जो है ना, वो हर बार जब वो वीडियो देखते हैं ना हम लोग, तब फिर से चुभता है हमको कि क्यों नहीं लिया उसको। तो हर ब्लॉगर, जो भी ब्लॉगर पब्लिक में जाके पब्लिक से इंटरेक्ट करता है, वो इस बात से मतलब रिलेट कर पाएगा खुद को कि काश मैं उस टाइम पे जब वीडियो बना रहा था उस टाइम पे मैं ये कर लिया होता,
मतलब उससे बात कर लिया होता या फिर ये चीज शूट कर लिया होता अच्छे से, ऐसा कुछ हो रहता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। ये हालांकि ये ब्लॉग नहीं था, बस एक बातचीत जैसे आप समझ ले। तो देखते रहिए एडिस ब्लॉग, कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।